वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक के अंदर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जीटा ट्रेडर्स। क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जीटा ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 इज अंडर प्रिपरेशन। तो ईयर एंड को नोट कर लेते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एज एट 30 जून 2019। हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यानी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी है, और फिर नेट अमाउंट भी गिवन है। उसके बाद सर्टन पॉइंट्स दिए हुए हैं और रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं ताकि उस कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं पॉइंट्स को दोबारा पढ़ेंगे। पहला तो ये है कि हमें करेक्टिंग एंट्रीज चाहिए, दूसरा ये है कि हमें करेक्ट फिगर्स चाहिए ग्रॉस एंड नेट रिसीवेबल ऑफ डीटी की ईयर एंड के ऊपर। तो जर्नल एंट्रीज भी चाहिए और साथ के साथ हमें जो है ना रिसीवेबल की अमाउंट, जिस तरह यहाँ पर इन्होंने ये ग्रॉस दी हुई है और फिर नेट दी हुई है, यही अमाउंट्स हमें लेकिन चाहिए, लेकिन करेक्शंस के बाद चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से, करेक्टिंग एंट्रीज को बनाते हैं और फिर हम चलेंगे वन बाय वन। तो अब सबसे पहली बात जो क्वेश्चन में की हुई है वो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 250,000 विच वॉज रिटर्न ऑफ प्रीवियसली, यानी हम इसको पहले बैड डेट बना चुके थे, वॉज सेटल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसके पैसे मिल गए ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में पैसे मिल गए, पहले बैड डेट बना चुके थे, पैसे मिल गए, इसे कहते हैं बैड डेट की रिकवरी। लेकिन ये हुआ है एट 20% डिस्काउंट, यानी 20% पैसे नहीं मिले, बाकी 80% हमें पैसे मिल गए हैं। अब बैड डेट रिकवरी की एंट्री तो होती है कि जब पैसे मिलते हैं तो कैश या बैंक डेबिट होता है और बैड डेट एक्सपेंस या बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे हैं कि जो अमाउंट रिसीव हुई वो ट्रेड रिसीवेबल में क्रेडिट कर दी, यानी डेबिट में मसला नहीं है, कैश या बैंक में जो डेबिट होना था वो उसमें मसला नहीं है, मसला क्या है कि ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो गए, तो ट्रेड रिसीवेबल को तो क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, क्रेडिट तो बैड डेट एक्सपेंस या बैड डेट रिकवर्ड को होना चाहिए था। तो पहले स्टेप पे तो हम ये करेंगे कि जो ट्रेड रिसीवेबल इसमें गलती से क्रेडिट हुए 80% अमाउंट के साथ, उसको डेबिट कर देंगे, और फिर जो बैड डेट एक्सपेंस या बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए था वो फिर बाद में क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी पहली एंट्री बन जाएगी। दूसरी देखते हैं, परचेज रिटर्न अमाउंटिंग टू 500,000 वाज मिस्टेकनली डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें देखें कि जब परचेज रिटर्न होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है और डेबिट होते हैं ट्रेड पेएबल, तो डेबिट होने चाहिए थे ट्रेड पेएबल, लेकिन गलती से डेबिट क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल। तो जो डेबिट होना चाहिए था पहले तो उसको डेबिट कर देते हैं, यानी ट्रेड पेएबल्स को 500,000 से, और फिर अब जो गलती से ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो गए थे उनको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, राणा एंड सन्स हैविंग अ बैलेंस ऑफ 80,000 ड्यू फॉर मोर देन वन ईयर वाज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट एंड इट्स बैलेंस नीड टू बी रिटर्न ऑफ। तो ये तो सिंपली वो कह रहे हैं कि एक बैड डेट हो गया, तो बैड डेट की स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री पास कर देते हैं, और बैड डेट की एंट्री होती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट, ये एंट्रीज हो गई। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि जी जीटी जीटा ट्रेडर्स मेंटेन्स प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट एट 25% फॉर बैलेंस आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ एज एट 30 जून 2019 सच बैलेंसेज आर एग्रीगेटेड एट 600,000 जिसमें से राणा एंड सन्स को वो एक्सक्लूड कर चुके हैं ऑलरेडी, वो वैसे भी राइट ऑफ कर दिया, उस पर तो बननी भी नहीं चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि हमें अलाउंस पे वर्किंग करनी होगी, इसकी एंट्री तो करनी होगी, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि अलाउंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज की एंट्री डिफरेंट है, तो हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वर्किंग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्या था जो साल के स्टार्ट में था, तो वो क्वेश्चन में हमें गिवन है 400,000, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस या जो बैलेंस शुरू से आ रहा है जो अभी शो किया उन्होंने, यानी उन्होंने ये करंट ईयर की अभी एडजस्टमेंट नहीं की, तो जो बैलेंस पहले आ रहा है वो ये आ रहा है 400,000 का। लेकिन सवाल ये है कि अब बैलेंस कितना होना चाहिए, तो अब बैलेंस कितना होना चाहिए, उसमें उन्होंने कहा जी 25% तो होना चाहिए इन 600,000 का। तो हम ईयर एंड का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, मोर देन 6 मंथ वाले 600,000 की अमाउंट है 25% के हिसाब से 150,000, और वो कह रहे हैं जो बाकी बैलेंसेज हैं उसका 5% होना चाहिए, लेकिन बाकी बैलेंसेज के लिए हमें रिसीवेबल की फिगर चाहिए होगी, रिसीवेबल की फिगर तो हमने पार्ट बी के अंदर कैलकुलेट करनी है, तो पार्ट बी को भी बनाने की तरफ चलेंगे अदर बैलेंसेज के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल हमारे होने कितने चाहिए, तो ट्रेड रिसीवेबल जो गिवन थे वो थे 2.5 मिलियन, उसमें हम 200,000 से रिसीवेबल डेबिट हुए ये ऐड कर देंगे, जो 500,000 से क्रेडिट हुए ये लेस कर देंगे, और 80,000 से जो क्रेडिट हुए ये भी लेस कर देंगे। तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल की सही फिगर आ जाएगी 2,120,000। अब
इसमें से 2120,000 में से 600,000 पर तो हम ऑलरेडी 25% अलाउंस ले चुके हैं, तो 600,000 निकाल कर रिमेनिंग पर 5% अलाउंस लेंगे जो कि बनता है 76,000। अब हम 150,000 और 76,000, क्योंकि ये दोनों ही हमें अलाउंस चाहिए डिफरेंट एजिंग एनालिसिस के मुताबिक, तो इनका टोटल कर लेंगे, 226,000 की वैल्यू आ जाती है। अब अगर आप नोटिस करें तो ओपनिंग प्रोविजन हमारी 400,000 थी और क्लोजिंग हमें चाहिए 226,000, तो हमें एक्स्ट्रा जो प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स की उसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करना होगा 174,000 से। अब जब प्रोविजन रिवर्स होती है तो प्रोविजन का क्योंकि नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है तो रिवर्स होगी तो उसको डेबिट करेंगे 174,000 से, और इसके कम होने से हमारा बैड डेट का एक्सपेंस 174,000 से रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से जो हमारी पार्ट ए की रिक्वायरमेंट थी करेक्टिंग एंट्रीज की, वो तो कंप्लीट हो गई। अब पार्ट बी की रिक्वायरमेंट में भी देखें तो जो ग्रॉस अमाउंट है वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और अब नेट अमाउंट निकालना भी कोई मसला नहीं है क्योंकि वर्किंग वन में हमने कैलकुलेट कर लिया है कि हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस है वो होना चाहिए 226,000, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे 1894,000 के। तो इस तरह से नेट वाली फिगर भी हमें मिल गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।